हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट जो सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक में डिस्कस किए थे, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो एक होता है, लेकिन ये 5 मार्क्स को कंटेन करता है। ये 4 से 5 मार्क्स एक ही क्वेश्चन से आपको मिल जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो आज हम डिस्कस कर लेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको रीजनिंग के इस चैप्टर से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट व्यूअर हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, मैंने जब आपको इन क्वेश्चंस को जब मैंने बेसिक की क्लास ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ इक्वेशंस होती हैं, 3 से 4 इक्वेशंस या 5 भी हो सकती हैं, और उनके आपको कुछ कोड दिए रहते हैं और हमें उनके कोड को क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से हम देखते हैं, देखिए यहाँ इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेस्टिवल आपको गिवन है। उसके बाद देखिए आपको इस लाइन में फेस्टिवल नहीं गिवन, इसमें फेस्टिवल नहीं गिवन, इसमें फेस्टिवल नहीं गिवन है, और हमें इस लाइन में फेस्टिवल गिवन है। मतलब हमें इन दोनों ही लाइन से हमें फेस्टिवल का कोड कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो हम देख लेंगे कि इन दोनों में कौन सा कोड जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखिए हमारा VO कोड जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमारा फेस्टिवल का कोड क्या हो जाएगा, VO। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, देखिए फॉर सेकंड वर्ड क्या है, फॉर। फॉर किसी नेक्स्ट लाइन में नहीं है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं हाल फिलहाल। उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन की। फ्रेंड्स, हम हर एक वर्ड के लिए एक अलग सिंबल्स को इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमें उनके कोड को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट होने से बचे। अब देखिए जो वुमेन है वो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, और थर्ड लाइन में भी आपको वुमेन शो हो रहा है। तो मतलब इन तीनों लाइन से कहीं ना कहीं हमें वुमेन का कोड मिल जाना चाहिए। अब देखिए GE इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, और इस लाइन में भी है। तो हम जो वुमेन है उसका कोड क्या हो जाएगा, उसका कोड हमारा आ जाएगा GE। इसी तरीके से नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे ओनली दिया हुआ है और ओनली और किसी भी लाइन में नहीं है। मतलब ऊपर हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं, एक फॉर और दूसरा ओनली। तो इस लाइन में हमारे पास 2 कोड बचे हैं, PA और XQ। मतलब अगर फॉर या ओनली का हमसे कोड पूछा जाएगा, तो या तो इधर PA और XQ में से एक इसका आंसर होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे पीस आपको दिख रहा होगा सेकेंड लाइन में, फिर ये लास्ट लाइन में भी आपको यहाँ पे पीस दिख रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पीस का कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो पीस का कोड क्या हो गया, DL। पीस का कोड क्या आ गया, DL। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास इसमें क्या बचा, प्रोवाइड और टू। अब देखिए टू जो है वो इस लाइन में भी है और टू जो है वो इस लाइन में भी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू का कोड मिल जाएगा। अब देखिए इन दोनों लाइनों में कौन सा कोड कॉमन है, WR। तो टू का कोड कौन सा हो जाएगा, WR। अब देखिए इस लाइन में क्या बचा है, केवल प्रोवाइड बचा हुआ है और यहाँ पे आपको केवल एक ही कोड बचा हुआ है, N और J। तो प्रोवाइड का कोड क्या हो जाएगा, N और J। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए आप यहाँ पे 2 वर्ड बचे हैं, लाइक सेलिब्रेट, यहाँ पे बचा है सेलिब्रेट और इन। अब देखिए इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, सेलिब्रेट। इन दोनों में सेलिब्रेट कॉमन है। अब हमें इन्हीं दोनों की लाइनों के कोड से हमें क्या, सेलिब्रेट का कोड भी मिल जाएगा। तो सेलिब्रेट का कोड क्या हो जाएगा, CT। CT इसमें भी है और CT जो है वो हमारा यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इन की, तो देखिए इनका कोड क्या हो जाएगा, SB, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा हुआ है, केवल SB। और लाइक का कोड क्या हो जाएगा, FX, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या बचा हुआ है, FX। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है आपसे।
देखिए अब इन चार लाइन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार वो उनको देख लेते हैं। व्हाट मे बी पॉसिबल कोड फॉर प्रोवाइड आइडिया इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हमसे प्रोवाइड आइडिया का कोड यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब ऊपर आप देखिए प्रोवाइड का कोड हमें क्या मिला था, एन और जे। अब बात आती है आइडिया। अब हम देखेंगे इसमें हमें आइडिया का कोड क्या है, आइडिया इसमें था। अब देखिए यहाँ पे फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली, प्रोवाइड पीस टू वुमेन, वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आइडिया नहीं है। अब आपको लगेगा कि आइडिया जब नहीं है तो इसका कोड हम कहाँ से लाएंगे, तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इनमें हमें क्या करना है कि देखिए एनजे हमें पता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है देखिए जिनमें एनजे दिया हुआ, एक थर्ड और एक फोर्थ। अब यहाँ पे एनजे के साथ एच वाई है और यहाँ पे एनजे के साथ क्या है, एक्स यू। अब हम ये देख लेंगे कि एक्स वाई या एच यू किसी और का कोड तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक्स यू गिवन है तो मतलब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स यू किसका कोड है, फॉर या ओनली में से किसी एक का कोड क्या हो गया, एक्स यू। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच वाई, जो कि इसमें गिवन नहीं है। अब देखिए इसमें आइडिया भी गिवन नहीं था और एच वाई भी गिवन नहीं था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो व्हाट इज द कोड फॉर सेलिब्रेट इन अ गिवन कोड लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे सेलिब्रेट का कोड आपसे पूछा गया है, तो आप ऊपर देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे ये है हमारा सेलिब्रेट और ये है हमारा सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट का कोड क्या था हमारा, सी टी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी टी। फ्रेंड्स अगर आप एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं सारे कोड्स को फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट है कि इन अ गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड फॉर पी ए। अब पी ए के लिए कोड क्या होगा, अब देखिए फर्स्ट लाइन में पी ए और एक्स यू दो बच्चे थे और इनके लिए फॉर और ओनली दो बच्चे थे, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर फॉर और ओनली, या तो इसका आंसर फॉर होगा या फिर क्या होगा, ओनली। तो हमारा ऑप्शन नंबर टू जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द कोड फॉर वुमेन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वुमेन की बात की थी तो वुमेन का कोड क्या था हमारा, जे ई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फाइव, जे ई। इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पेंट योर रेड, पेंट योर हाउस रेड, गेट फॉर रेड कलर, हाउस ऑफ योर चॉइस गेट विथ रेड रेड पेंट। अब देखिए फर्स्ट हमारा वर्ड क्या है, पेंट। पेंट हमारा फर्स्ट लाइन में भी आ रहा है एंड देन पेंट हमारा लास्ट लाइन में भी है। अब देखिए इसमें से, इन दोनों में से कौन सा कोड हमारा मैच कर रहा है, देखिए ई डब्ल्यू जो है वो मैच कर रहा है, तो मतलब पे का आंसर क्या हो गया, ई डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए योर हाउस रेड, अब योर ऑप्शन जो है एक ये दिया हुआ है योर, एक ये दिया हुआ है योर। अब इन दोनों लाइन से हमें क्या मिलेगा, हमें योर का कोड मिल जाएगा। तो देखिए योर का कोड क्या होगा, सी यू जो होगा वो हमारा योर का कोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउस की, तो देखिए हाउस इस लाइन में गिवन है एंड देन हमारा हाउस इस लाइन में भी गिवन है। अब हम बात करेंगे हाउस की, तो देखिए अब यहाँ पे भी आर आई गिवन है और यहाँ पे भी आर आई गिवन है। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, योर और हाउस दोनों सेम लाइन में ही कोड मैच कर रहे हैं और नेक्स्ट दोनों लाइन में हाउस या योर में से कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा इन दोनों का जो कोड होगा वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो हाउस और योर का कोड जो है वो हमारा इधर और में जाएगा, सी यू या आर आई में से एक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं है कि किसका कोड क्या होगा, क्योंकि दोनों लाइनों में क्या हो रहा है, सेम मैचिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं लास्ट रेड, रेड एंड
रेड, तो रेड हमारा तीन लाइन में गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। तो देखिए रेड में हमारा क्या आ जाएगा, ई डब्ल्यू और ई डब्ल्यू। तो ई डब्ल्यू किसका हो गया हमारा, रेड का। फ्रेंड्स हमने पेंट की बात की थी, पेंट में हमने सोचा था कि ई डब्ल्यू होगा, लेकिन जब रेड में हमारा ई डब्ल्यू आ रहा है और पेंट इन दोनों में है, तो मतलब ये कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंट का एफ एम, एफ एम जो होगा, क्योंकि एफ एम इन दोनों में कॉमन है, तो हमारा पेंट का क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ऑफ, यहाँ पे भी हमारा ऑफ, यहाँ पे भी है ऑफ। अब देखिए फर्स्ट लाइन में सभी के कोड हो गए, सेकंड में, सेकंड और थर्ड में क्या मैच कर रहा है, ऑफ। अब देखिए एस ए यहाँ पे भी और एस ए यहाँ पे भी है, तो ऑफ का कोड हमारा क्या हो जाएगा, एस ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम गेट की, जो गेट यहाँ पे भी है और गेट यहाँ पे भी है, मतलब अ सेकेंड और लास्ट लाइन में हमारा क्या है, गेट। तो देखिए ओ और पी हमारा किसका ऑप्शन हो जाएगा, गेट का। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, चॉइस, तो चॉइस का क्या हो जाएगा, एन के। कलर का क्या हो जाएगा, आई वी। एंड देन विड्थ का क्या हो जाएगा, जी और वाई। अब हमें पूरे इक्वेशन के कोड फाइंड आउट हो गए, अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ रेड, आपसे किसका कोड पूछा गया, रेड का। ये देखिए रेड का हमारा कोड क्या था, ई डब्ल्यू, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द कोड, पॉसिबल कोड फॉर गेट क्रैश, अब आपसे गेट और क्रैश का कोड पूछा। अब देखिए गेट का कोड क्या है, ओ पी। पूरे अभी हमने पढ़ा था तो कहीं पर भी क्रैश का नहीं आ रहा था। अब देखिए ओपी किस किस में गिवन है, इसमें है और इसमें है, इसमें भी आपको ओपी दिया हुआ है। अब हम देखेंगे ओपी के साथ है क्या क्या, जे एक्स, जे एक्स का कोड हमें गिवन नहीं था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए सी यू का कोड आपसे पूछा गया। अब देखिए सी यू, सी यू कहाँ पे दिया हुआ था, ये, मतलब सी यू किसका कोड है, योर का, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी यू का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओ योर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज कोड फॉर पेंट, आपसे पेंट का कोड पूछा गया, तो पेंट का कोड हमारा पहला क्या है, एफ एम, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एफ एम जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आते हैं, बस आपको कोड फाइंड आउट करना है और आप चार से पाँच मार्क्स आप इजिली कंटेन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है कोडिंग डिकोडिंग के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उस तरीके के क्वेश्चन भी करा दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।